मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं भारत की जन्मभूमि से हूँ, जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बाघा जतिन, कैप्टन मनोज पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन अनुज नायर, ऐसे वीर सपूतों ने जन्म लिया। और ऐसे ही एक वीर सपूत का आज जन्मदिन है, मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन भगत सिंह जी की। तो गाइस, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आज उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में जानना कि उनका क्या योगदान था हमारी भारत की आज़ादी की तरफ, ठीक है? तो उनके बारे में डेफिनेटली पढ़ना। एंड एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेट मी टेल यू वन थिंग कि नेवर फॉरगेट योर रूट्स, नेवर फॉरगेट योर हिस्ट्री, राइट? सो एक बार सब साथ में बोलेंगे और आप कमेंट्स में लिखना ज़रूर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, जय हिंद, ठीक है? जय हिंद ज़रूर कर लेना कमेंट में, राइट इट डाउन, जय हिंद। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मूवी कोड नेम तिरंगा। और ये भी एक पेट्रियाटिक मूवी है, देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है इस मूवी के अंदर, राइट? और रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रिबुदास गुप्ता, स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले बाय रिबुदास गुप्ता, और स्टारिंग परिणीति चोपड़ा, शरद केलकर, हार्डी संधु एंड देवोजीत भट्टाचार्य। सो मूवी के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो कॉन्टेंट है और मतलब प्लॉट है जो, वो काफ़ी पुराना है और इस प्लॉट पे काफ़ी मूवीज़ ऑलरेडी बन चुकी हैं, इवन वेब सीरीज़ बनी थी स्पेशल ओप्स, उसमें भी हमने देखा था कि 2001 में जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ था उसी पर बेस्ड वो वेब सीरीज़ थी और ये मूवी भी उसी पर बेस्ड है। और फिर एंट्री होगी हमारी जो स्पाई हैं दुर्गा सिंह, यानी कि परिणीति चोपड़ा एज इन दुर्गा सिंह प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ अ स्पाई। तो उनको ये मिशन दिया गया है कि जिस टेररिस्ट ने अटैक किया था उसको तुमको पकड़ कर लाना है, एंड द कैरेक्टर ऑफ द टेररिस्ट प्लेइंग बाय नन अदर दैन शरद केलकर, ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर टू, बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं वो यहाँ पर भी इस मूवी में। और परिणीति चोपड़ा से मैंने ये उम्मीद नहीं करी थी यार कि वो इतना अच्छा कर लेंगे, क्योंकि हमने उन्हें लव स्टोरीज में देखा था, बट यहाँ पर हर एक्सप्रेशंस, हर फाइटिंग स्किल्स मतलब फिनोमिनल। और जो शॉट्स मैंने देखे, बोट के ऊपर वाला एक शॉट लिया गया, नाइस शॉट, और उसके बाद जो गन शॉट्स हैं, जैसे हम लोग गेमिंग करते हैं तो उस गेमिंग में भी गन शॉट्स होते हैं, क्लोजअप शॉट्स बोलते हैं उसे, तो वो सारे शॉट्स बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी करी है पूरी कैमरा टीम ने, नाइस यार। और बस जो एक कुछ वीक पॉइंट्स लगे वो शेयर कर देता हूँ मैं आपके साथ कि एक हार्डी संधू मेरे को नहीं जच रहे हैं, अब उनके फैंस आकर मेरे को गाली दे सकते हैं यार, आपकी आपका मन है आप दे सकते हो, अगर आ सकते हो मेरे को, बट मेरे को वो सूट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और दूसरा पॉइंट ये यहाँ पर कि जो ट्रेलर में हमने सब कुछ देख लिया, सारी चीज़ें मेकर्स ने खुलकर मतलब ओपनली बता दी, स्पाई बनी हुई हैं, ठीक है? परिणीति चोपड़ा एज इन दुर्गा सिंह स्पाई बनी है, और तो और फिर वो वहाँ पर जाती हैं अपने मिशन पे और वो वहाँ पर एक्सपोज भी हो जाती हैं, और यानी कि जो अदर टेररिस्ट हैं उनको पता चल जाता है कि ये भारत की इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। तो अब देखो ये सारी चीज़ें सब कुछ खुलकर ओपनली बता दिया मेकर्स ने, तो अब बचता क्या है? क्या कोई ऐसा ट्विस्ट है जो हमें मूवी में अलग से देखने को मिलेगा? मेरे को नहीं लगता कि अब कोई ऐसा न्यू ट्विस्ट होगा जो हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा, हो सकता है मिल जाए, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि बस यही सफ़र दिखाएगा कि कैसे जो है परिणीति चोपड़ा शरद केलकर यानी जो टेररिस्ट है उमर खालिद उसे पकड़ती हैं या मारती हैं, ठीक है? और ये तो मेरा अभी का रिव्यू कोड नेम तिरंगा का। और मूवी वन टाइम वॉचेबल है, जा सकते हैं देखने, 14th of October को ये सिनेमाज में रिलीज़ होगी, आप चाहे तो देख सकते हैं। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ एक बार फिर से जय हिंद सल्यूट करते चलो, और कमेंट में लिखना ज़रूर।